साथियों, ये छात्र एकजुटता का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री आवास तक छात्र पहुंच गए। संभवतः आज तक बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा, जैसा कि मुझे जानकारी है। और सबको सुनाई दे रहा, आप लोग हल्ला चुप रहे, चुप रहे, सुनाई देगा, सबको सुनाई देगा, सुने, शांत रहेगा तब सुनेगा। और हम लोगों की वार्ता जो है, हमारी मुलाकात दो पद लोग हम लोग गए थे तो मुलाकात हुई अमीर सुभाने जी से मुलाकात करवाई गई, जो मुख्य सचिव है और नीतीश जी के करीबी है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई और हम लोगों ने उनके सामने सभी बातों को रखा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार होता है कि कुछ प्रश्नों का आंसर गलत देकर योग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। हमने सारा सोर्स भी उनको बताया, उन्होंने खुद अपने से लिखा भी है इस चीज को और एक आवेदन भी अलग से मांगा तो हमने दे दिया लिख के। उसके बाद उन्होंने इस पे गंभीरता पूर्वक विचार भी किया है और उन्होंने कहा है कि कल बीपीएससी ऑफिस ये लेटर भेजा जाएगा, इस पे जवाब मांगा जाएगा और मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी उस समय तक पटना में नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक जब हम लोग बाहर निकल रहे थे उसी समय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे और तेजस्वी यादव जी भी पहुंचे हैं। तो हो सकता है कि अभी उन लोग का कोई मीटिंग हो तो उसमें इस बात को रखा जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन हम लोगों को अपनी आवाज अभी भी जारी रखना है, बुलंद करते रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो, सुनिए पहले बात सुनिए हमारी, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हमें झूठी दिलासा दे दे और टाइम पास कर दे। तो हम लोगों को अपनी आवाज को अभी बुलंद रखना है कि जब तक कि एक्स्ट्रा रिजल्ट ना दे दिया जाए। और हमारी जो मांगे हैं, जो आप लोगों की मांगे हैं, उन सभी मांगों को लिखित रूप में रखा गया है, जैसे रिजल्ट में छेड़छाड़ हो, सीबीआई जांच की मांग हो, धांधली की पेपर लीक की, सारी बातों को रखा गया है, मेंस की डेट बढ़ाने के लिए सभी बातों को रखा गया है। और हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी तक बात एक दो घंटा में पहुंच जाएगी, वैसे तो मीडिया के माध्यम से पहुंच ही गया होगा, लेकिन हो सकता है जब तक हम यहाँ आए तभी तक बात उन तक पहुंच गई हो, क्योंकि अमीर सुभाने जी नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी है, सभी लोग जानते हैं। और जब हम लोग निकल रहे थे उसी समय नीतीश कुमार जी आए हैं, तेजस्वी यादव जी आए हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने हम लोगों की मांगों को नहीं माना तो फिर हम लोगों के लिए एक बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार रहना है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं। तो अब सरकार को ये फैसला लेना है, खासकर नीतीश कुमार जी को ये फैसला लेना है कि वो लाखों छात्रों के साथ न्याय करते हैं या झूठा दिलासा दिलाते हैं। तो हम लोग दो तीन दिन इंतजार करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद फिर आगे हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। लेकिन आप लोग जितने भी लोग, सबसे पहले तो समस्त मीडिया बंधुओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार छात्रों से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमें पहले सपोर्ट नहीं मिलता था शुरू में, जब उस समय बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन पिछले दो सालों से छात्रों के मुद्दे पे जिस तरह से मीडिया बंधुओं द्वारा न्यूज दिलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो छात्रों के मुद्दे पे अब गंभीर है, ये बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशासन के जितने भी पदाधिकारीगण, मजिस्ट्रेट साहब या जो भी थे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और आप तमाम छात्र छात्राओं को जो दिल्ली से आए, बिहार के अन्य अन्य जिलों से आए, सबको धन्यवाद। बिहार की बेटियों को स्पेशली अलग से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहले हम आज से नहीं 2018 से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पहले पहले आंदोलन में एक दो लड़की आती थी, लेकिन अब है कि 100 से ऊपर लड़कियां आ जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अंत में हम यही नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर फिर से विनती करते हैं कि आप न्याय कीजिए, हम लोगों को शौक नहीं है सड़क पे बैठ के आंदोलन करने का या धरना देने का, आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। अब आप तक बातें पहुंच चुकी है, तो अगर अब आप न्याय नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब होगा कि नीतीश कुमार जी लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए देख रहे हैं, धृतराष्ट्र बने हुए हैं या खुद वो संलिप्त है इसमें। तो इसलिए हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर डिसीजन लीजिए और छात्रों को न्याय दिलाइए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।